पट्टी थाना पुलिस ने बसई चौक के पास अलग अलग कार्रवाई कर 835 बोतल नेपाली देसी और अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही 5 तस्कर को भी धर दबोचा है। इसके अलावा 3 वाहन भी जब्त किया है। इस बाबत बेनीपट्टी थाना परिसर में शुक्रवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए SDPO अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सहर घाट की ओर से बसई होते हुए शराब की खेप गुजरने वाली है, जहां मेरे द्वारा पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष सीताराम प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया, जिसमें सहायक थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, SI सूरज कुमार, ALTF प्रभारी शेषनाथ प्रसाद, ASI संजीत कुमार और पवन कुमार सहित दलवल को शामिल किया गया था। प्राप्त सूचना के आलोक में टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों व कर्मियों ने बसईट में 24 घंटे में अलग अलग समय पर रोको टोको अभियान चलाया गया। अलग अलग कार्रवाई में पुलिस टीम ने 300 ml का 274 बोतल नेपाली देसी और 561 बोतल अंग्रेजी विदेशी शराब बरामद किया है। साथ ही 1 कार, 1 बाइक व 1 स्कूटी भी जब्त किया है। इस दौरान पुलिस ने 5 तस्करों सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के मुरैल के दुलार मुखिया, इसी जिला के नानपुर थाना क्षेत्र के बठौल गांव के धर्मवीर कुमार और इंदल कुमार तथा दरभंगा जिला के बेता चौक के किशन कुमार और विजय कुमार मल्लिक बेता दरभंगा को गिरफ्तार किया है। SDPO ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आलोक में शराब तस्कर पर नकेल कसने के लिए लगातार क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस टीम को सफलता भी मिल रही है। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगा। आम जन केवल गुप्त सूचना दे, पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। वहीं पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी SHO ने बताया कि पकड़े गए सभी तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। मौके पर बेनीपट्टी SHO सहित कई पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे। ये लोग बसैठा में, इनको सूचना मिला इन लोगों को, उसी सूचना पे लोग रोको टोको अभियान चलाए, जिसके आलोक में ये जो पकड़ा गया है, जो आप देखे हैं, 5 आदमी हैं, 5 अभियुक्त हैं और कुल 82 लीटर और 540 लीटर कुल शराब बरामद हुआ है। सर, जो पकड़ा है वो उस सबका नाम क्या सब है और कहाँ क्या है? एक दुलार मुखिया है जो कि सीतामढ़ी रहने वाला है, बाजपट्टी का है। एक धर्मवीर कुमार है, बाप का नाम रामचंद्र सहनी है। एक इंदल कुमार है, बाप का नाम परमेश्वर सहनी है, जोनो बठौल नामपुर सीतामढ़ी का है। और विजय कुमार एक है, बाप का नाम रुद्दल मलिक है। और किशन कुमार खड़गा का है और बाप का नाम अशोक खड़गा है, जो बेता चौक थाना OP दरभंगा के रहने वाला। दो, एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, एक चरपहिया बरामद हुआ है जो, और एक स्कूटी बरामद जो आप देख रहे हैं लगा हुआ है। यह लगातार छापामारी अभियान है और देख रहे हैं छापामारी अभियान लगातार उपलब्धि है। हम लोग इसका जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक लगातार छापामारी चल रही है। जो आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।